बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं। आज है 26 मई 2022, दिन है बृहस्पतिवार का। वहीं पे आज के दिन मनाई जा रही है अपरा एकादशी। और साथ ही साथ अगर आज के पंचांग की बात करें तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। ये तिथि सुबह 10:54 पे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो है द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा। ये नक्षत्र जो समाप्त होगा रात्रि काल 27 मई लग चुकी होगी, 12:30 पे समाप्त होगा। और इसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर का रहेगा 2:03 से लेकर के 3:43 तक का। तो इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना है। चंद्रमा गोचर करेंगे मीन राशि में, मगर ये जो गोचर करेंगे 27 मई सुबह यानी आधी रात 12:38 तक ही मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई पत्ते। आज एकादशी का व्रत किया जा रहा है और अपरा एकादशी या अचला एकादशी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ दिन भी बृहस्पतिवार का है और आज योग जो बन रहे हैं चंद्रमा के साथ गुरु का होना, सूर्य के साथ बुध का होना, तो बुध आदित्य योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, तो दिन बहुत ही खास है। आज के दिन कोई आप अगर मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं तो मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। तो चलिए बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई पत्ते। मेष राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 6 of Cups, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Wands। अगर आज कार्य के प्रति मेहनत करने की आवश्यकता है, धन को लेकर के स्थिरता आएगी और साथ ही साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आपके लिए बेहतर रहेगा आज विष्णु जी को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, एस ऑफ वॉन्ड्स। आज लाभ प्राप्त होगा कार्य से संबंधित भी, धन से संबंधित भी। वहीं पे धन के आने की संभावना भी लग रही है। महिला द्वारा, कोई आपके जीवन में महिला हो सकती है, माता या फिर आपकी बहन या फिर आपकी स्पाउस जो है, ये इनसे कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होगा। मगर हाँ, धन खर्चा भी हो सकता है, जहाँ पे धन आएगा वहाँ पे खर्चा भी होगा। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन साबुदाने की खीर का भोग भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आए हैं और आने वाले समय में लंबे समय तक जो है आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मेजर कार्ड्स आए हैं, मेजर बदलाव आएंगे जीवन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है, मैजिशियन कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। आज पूरा पूरा भाग्य साथ देगा, साथ साथ धन को लेकर के फिर भी लापरवाही हो सकती है, मगर धन को लेकर के आपके जीवन में बदलाव भी आएंगे, यानी आर्थिक स्थिति जो है सुधरेगी और जो आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी प्राप्त होगा। यानी आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव में आएंगी। आप लोगों के लिए उपाय क्या सही रहेगा, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा आज के दिन विष्णु जी को पान का भोग जरूर लगाएं। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए कार्ड आए हैं, जस्टिस कार्ड आया है, 4 of Swords कार्ड आया है, किंग ऑफ Swords कार्ड आया है। आज जो है स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है, नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं। वहीं पे अगर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, आज आपको उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके लिए सही ना हो। कर्क राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा यदि आज के दिन आप मीठे दूध का भोग जो है भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 9 of Cups, साथ साथ नाइट ऑफ Swords और एस ऑफ Pentacles। अगर देखा जाए तो आज जो है धन को लेकर के स्थिरता आएगी, नए लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, धन से संबंधित आज भागदौड़ बनी रहेगी जीवन में, और साथ साथ देखा जाए तो आज आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा यदि आज के दिन आप लाल पुष्प और पीले पुष्प जो है भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 5 of Cups, 3 of Cups और डेविल कार्ड आया है। आज
किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से बच के रहना है, आपको कोई भड़का सकता है, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, आज आपके मन में नकारात्मक सोच रहेगी इसलिए मूड ऑफ हो सकता है, मानसिक तनाव बना रहेगा, रिश्तों के प्रति भी मानसिक तनाव आपको बना रह सकता है। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखा जाए तो आज कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, माता या माता जैसी महिला से आपको आज मान सम्मान प्राप्त हो सकता है और साथ साथ आपको जो है सपोर्ट भी रहेगा। ये सपोर्ट फाइनेंशियली भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है और रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो अगर आप स्ट्रेस में आज रहेंगे तो कोई बड़ी आपसे उम्र की महिला होंगी जिनका सपोर्ट आज के दिन आपके लिए बना रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा यदि आज के दिन चंदन का इत्र आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स आए हैं जजमेंट, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, पुराने संबंध जो हैं जिनमें कठोरता आ गई थी, खटास आ गई थी, वो पहले से बेहतर हो सकते हैं। पुरानी गलतियों को सुधारने के मौके आज मिलेंगे। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, साथ साथ डेथ कार्ड आया है और नाइन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है। आज कोई काम आपका कंप्लीट हो सकता है, हो सकता है ये आपको बुरा भी लगे कि वो काम जो है पूरा हो गया, या हो सकता है आज आपको नौकरी से कोई बुरी खबर मिले, तो कहीं ना कहीं सैड न्यूज़ हो सकती है, कंप्लीशन वाली होगी, साथ साथ तनाव बना रहेगा, कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आप तनाव अपने जीवन में महसूस करेंगे, स्वास्थ्य भी इसका गड़बड़ा सकता है। अगर आपको पहले से ही एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत है तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। आपके लिए बेहतर रहेगा यदि आज के दिन आप जो है भगवान विष्णु जी को पीले फल अर्पित करें, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द टावर कार्ड आया है। आज कहीं ना कहीं सडनली आपको सैड न्यूज़ मिल सकती है, कोई झटका आपको लग सकता है। आज घर में जो है ध्यान रख के चलेगा, आग लगने की संभावना हो सकती है, इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। फैमिली में गेट टुगेदर का माहौल हो सकता है। आज आपसे उम्र में बड़ी कोई महिला होंगी जिनका सपोर्ट और प्यार आपको मिल सकता है। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन जो है आप भगवान विष्णु जी को सुपारी अर्पित करें। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, हैंड मैन, सासा, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज जो है जीवन में बदलाव आएंगे, धन की स्थिरता को आपको सुधार के रखने की आवश्यकता है, अनावश्यक धन खर्चा ना हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेगा। परेशानियां चुनौतियां आज आपको देखने को मिल सकती हैं, मगर स्टिल मैं कहूँगी आज जो है कुछ फैसलों के मामले में आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना बेहतर रहेगा। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, मेजर कार्ड्स आए हैं और आने वाले समय में मेजरली चेंजेस आएंगे आपके जीवन में। लवर्स कार्ड आया है, द सन कार्ड आया है और एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। रिश्तों में अगर तनाव था, अगर आपके प्रेमी या आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो रही थी, सही से सब कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी, तो ये समय रहेगा कि अब सारी चीज़ें जो है बेहतर होने लग जाएंगी। संतान प्राप्ति चाह रहे थे तो संतान प्राप्ति भी होने की संभावना है। यदि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। धन को लेकर के लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएंगे। तो चलिए बात करेंगे अंतिम टिप ऑफ द डे की। आज एकादशी की तिथि है, एकादशी का व्रत जिन लोगों ने किया है वो तो भगवान विष्णु जी की उपासना करेंगे ही करेंगे। जिन लोगों ने एकादशी का व्रत नहीं किया है तो केवल आज खाली समय में मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल इस मंत्र का खाली समय में जितनी मर्जी बार जप करें, आपको इससे लाभ प्राप्त होगा, भगवान नारायण की कृपा भी प्राप्त होगी और साथ साथ जीवन से हर तरह के कष्ट और कलह से छुटकारा प्राप्त होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए करिश्मा के करिश्माई पत्ते। केवल आश्रो तक पे नमस्कार, जय श्री राम।